गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टेंस है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, इज इट विजिबल टू यू? हेलो स्टूडेंट्स, इज इट विजिबल टू यू? दिखाई दे रहा सभी को? यस सर। ओके, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो है कि इसमें वाक्य के अंत में चुकी है या फिर चुके हैं आता है, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आ है, ई है और ए है, आता है। तो कई बार हमारे सेंटेंसेस जैसे होते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, या वह स्कूल जा चुकी है, उसने मुझे बताया है, ठीक है, वो मेरे घर आई है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसमें हम हैज का सिंगुलर के साथ और हैव का प्लूरल के साथ यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हैज और हैव का यूज होता है, ठीक है, और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हैज हैव के साथ। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये रहता है कि जैसे मैं खाना खा चुका हूं, तो इसमें क्या है कि काम तो जो पास्ट का है उसके लिए तो पास्ट सिंपल है हमारे पास, तो ये भी तो पास्ट का ही काम है, तो इसके लिए पास्ट सिंपल क्यों नहीं हम यूज करते हैं? इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हैज हैव का यूज क्यों होता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो काम हमने कोई रिसेंटली किया हो, ठीक है, रिसेंटली या पास्ट में कभी भी हमने किया है, अगर उस पास्ट का लिंक प्रेजेंट के साथ हो जाता है कि प्रेजेंट के काम के साथ उसका लिंक हो जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है। तो कहने का मतलब कि पास्ट में किए हुए काम का लिंक अगर प्रेजेंट के किसी काम के साथ संबंध बन जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है। तो जैसे मान लो मैं खाना खा चुका हूं, मैं कहता हूं कि आप में से कोई भी जैसे खाना खाने शुरू किया और मैं पहुंच जाता हूँ वहां पर, आप मुझे कहते हैं सर आइए खाना खा लीजिए, मैंने कहा कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खा के ही आया हूँ, तो मतलब जो पास्ट का काम, अब प्रेजेंट में आप भी वही काम कर रहे हो, तो उस जो पास्ट में मैंने काम किया था उसका लिंक प्रेजेंट में आ गया, तो ये हमारा प्रेजेंट के साथ जुड़ गया और इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं। इज दिस क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स और हैविंग एनी डाउट? Okay, so now I want to, you know, take you to the rules. Rules में क्या है? जैसे हमारे affirmative sentences होते हैं उसके लिए plus का निशान लगा दिया, हमारा rule है subject plus has or have plus verb third form and then object. ओके, तो जैसे मैंने सेंटेंस बनाया मैं खाना खा चुका हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं के लिए आए हम प्लूरल में रखते हैं इसको, बीइंग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो आए के साथ हैव, आई हैव, और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, खाना खाने की, दैट इज ईटन, ईट एट ईटन, या हम टेकन भी यूज कर लेते हैं, आई हैव टेकन
फूड। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनते हैं, राइट एवरीबॉडी। अब जैसे सेंटेंस है, मैंने उसे बता दिया है, मैंने उसे बता दिया है, तो आई हैव, और बताने की इंग्लिश है टेल, तो उसकी थर्ड फॉर्म टोल्ड, आई हैव टोल्ड, और उसे अगर लड़का है तो हिम आ जाएगा और लड़की है तो हर, आई हैव टोल्ड हिम और अदरवाइज आई हैव टोल्ड हर। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस हमारे बनने शुरू हो जाते हैं। मैंने स्कूल का होमवर्क कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माय स्कूल होमवर्क। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनता है। अगर हम नेगेटिव के लिए जाएं, ठीक है, तो नेगेटिव में हमारा जो रूल है वो क्या रहेगा, नेगेटिव के लिए रूल जो रहेगा वो सब्जेक्ट प्लस हैज और है और उसके साथ नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमारा सेंटेंस है कि मैंने खाना नहीं खाया है, तो क्या हो जाएगा, I have not eaten or taken. Okay, I have not eaten or taken food. पिताजी ऑफिस नहीं गए हैं। Father singular subject है, तो इसके साथ has, father has not gone to office. Yes, students, any problem facing? Hello? Samriti, mute yourself. Now, the next two is for interrogative sentences. That is, interrogative sentences, आप जानते हैं कि वो हमारी जो helping verb है उसके साथ शुरू होता है, तो auxiliary verb आ जाएगी plus subject plus verb third form plus object and then sign of interrogation. क्या उसने होमवर्क कर लिया है, तो has she finished her homework? तो साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर मैं कहता हूं कि लड़के के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा ना, था हैज ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। ओके, तो यहां पर हमें इस बात का भी ध्यान देना होता है कि अगर हम यहां पर शी लगा रहे हैं तो हर होगा, ही लगा रहे हैं तो यहां पर हिज आएगा। क्या तुमने खाना खा लिया है, तो यहां पर हैव यू taken food, right everybody? Or if I go with, you know, the third fourth rule fourth, that is negative and interrogative sentences, so we can say that has or have plus subject plus not plus verb third form plus object and sign of interrogation. So, kya usne tumhe nahi bataya hai? Has he not told you? Kya Akash school nahi gaya hai? Has Akash
not gone to school. तो इस तरह से हमारे ये वाले सेंटेंसेस बनते हैं. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारे WH questions होते हैं, तो WH questions में हमारा जो है वो इन दोनों रूल्स में पहले आएंगे. ठीक है, जैसे उसने अपना होमवर्क आप या हैव यू टेकन फूड, इसको हम बनाते हैं आपने खाना कब खाया है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन हैव यू टेकन फूड. ठीक है, या फिर नेगेटिव में आकाश स्कूल क्यों नहीं गया है, सो व्हाई हैज आकाश नॉट गॉन टू स्कूल. तो इस तरह से ये हमारे WH क्वेश्चंस थर्ड और फोर्थ रूल जो है हमारा उससे पहले यूज हो जाएंगे. सो इज इट क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स? यस सर. ओके सर. और इसमें एक और है कुछ एक बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कभी नहीं. ठीक है, कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं. जैसे मैं कहता हूं मैंने कस्टर्ड एप्पल जिसे हम कहते हैं शरीफा, मैंने शरीफा कभी नहीं खाया है, तो आप इसको बना सकते हो, मैंने कस्टर्ड एप्पल कभी नहीं खाया. आई हैव नेवर ईटन कस्टर्ड एप्पल. तो जो कभी नहीं वाले सेंटेंस हैं तो उस तरह से हो जाता है. और कई बार हम पूछते हैं जैसे कभी, ठीक है, कभी वो कभी के लिए, कभी नहीं के लिए तो नेवर किया, कभी के लिए हम एवर यूज करते हैं. ओके, कभी के लिए एवर, तो क्या हमारा सेंटेंस बनता है, क्या आपने कभी शरीफा खाया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वाला हो जाता है. तो यहाँ पर have you ever eaten custard apple. ओके, तो इस तरह से हमारे ये सेंटेंसेस बनते हैं. तो इसमें हमने देखा नेवर और एवर का कैसे यूज होता है, सो वो भी हम इसमें करना सीखे. सो इज दिस क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट्स? हेलो. यस सर. यस स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर और हैविंग एनी डाउट?